співати любим, петь пісні хороші. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं मेरा वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा हमारे उन भाई बहनों से जिन्होंने लगभग आज से 1000 साल पहले उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था, और इंडिया को छोड़ने के बाद वो यूरोप की तरफ चले गए थे, और फिर धीरे धीरे वो पूरे यूरोप और लगभग वो लैटिन अमेरिका तक पहुंच गए थे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जिप्सी भाइयों की। इस एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाने में ना एक चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, और वो है मेरी रशियन लैंग्वेज के ऊपर पकड़। अब मैं वो बगैती नहीं करूँगा कि यार मैं रशियन लैंग्वेज में एकदम प्रो हो गया हूँ कि भाई सब कुछ समझ आएगा कि भाई तियात्कुदार वो ब्ला ब्ला सारी बातें, लेकिन मैं किसी भी रशियन या यूक्रेनियन, आप यूँ मान लीजिए मैं किसी भी USSR के बंदे को ये कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैं रशियन में बात कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी चूचू। तो जो थोड़ी सी मुझे रशियन आती है उसके कारण जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो और ज़्यादा स्पेशल हो गए थे, क्योंकि मैं लोगों को समझ पा रहा था उतना भी नहीं, लेकिन मेरा काम चल रहा था और उसके कारण मुझे अच्छे एक्सपीरियंस भी मिल रहे थे। और मेरी रशियन अच्छा होने के पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि यार मेरी जो यूक्रेन की ट्रिप थी ना, इससे पहले मैं 2 बार रशिया जा चुका हूँ, और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है ड्यूलिंगो ऐप। शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, मैंने भी इस एप्लीकेशन के बारे में लगभग 1 से 1.5 साल पहले सुना था, और उस टाइम मैं यार एप्लीकेशन से कौन सी लैंग्वेज सीखी जाती है, मैंने इग्नोर मारा इस बंदा, बकवास होगा सब कुछ। लेकिन जब मैं अब की बार यूक्रेन आया तब मैंने इसके एप्लीकेशन के बारे में दोबारा सुना, फिर मैं यार नहीं यार एक बार डाउनलोड तो करके देखें। मेरे दिमाग में वही मिथ और मिसकंसेप्शन था कि यार ऐप के थ्रू कोई लैंग्वेज थोड़ी सीखी जाती है, लेकिन आप जो मेरी यूक्रेनियन ट्रिप है इसमें आप स्टार्टिंग से लेकर एंड वाली वीडियोज तक देखना, जो मेरी रशियन थी ना वो काफ़ी रिफाइन होती जा रही थी, और इसके पीछे ड्यूलिंगो का बहुत बड़ा हाथ था। तो बेसिकली ड्यूलिंगो है क्या? ड्यूलिंगो एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीख सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर। और अगर इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बात की जाए ना यार, तो वो भी नेक्स्ट लेवल है। पहले मुझे लग रहा था कि एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन होगी, लेकिन जब मैंने गूगल प्ले स्टोर खोला तब जाकर वहाँ मुझे दिखा यार इस एप्लीकेशन के 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, और वो भी 4.7 रेटिंग्स के साथ। तो आप इस ऐप की जो पावर है वो खुद समझ सकते हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात क्या है कि दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपने बहुत सी ऐप के अंदर देखा होगा कि भाई आपने 2-3 मिनट वो ऐप यूज़ की उसके बाद एड्स आने लग जाती हैं, लेकिन ड्यूलिंगो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप ड्यूलिंगो ऐप को यूज़ करिए और अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाइए, फिर चाहे वो इंग्लिश हो या फिर रशियन हो या फ्रेंच हो या स्पेनिश। और मुझे स्पेनिश भी सीखनी है, क्योंकि जब मैं लैटिन अमेरिका जाऊँगा तो लैटिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा बोली जाती है स्पेनिश, और उसके पास पुर्तगीज़, और पुर्तगीज़ और स्पेनिश के अंदर काफ़ी लिंक हैं। तो अगर आपको एक लैंग्वेज आ गई तो दूसरी लैंग्वेज का जुगाड़ हो जाएगा। बाकी ड्यूलिंगो ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे उस प्यारे एक्सपीरियंस को जिसमें आप मिलोगे हमारे उन भाई बहनों से जिन्होंने 1000 साल पहले इंडिया को छोड़कर वो यूरोप की तरफ आ गए थे। मेरी इस ट्रिप का सेकंड स्नोफॉल। तो अभी जहाँ पर मुझे जाना है दुबवे, वो जगह यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर्स, लेकिन अभी ना तो यहाँ से कोई बस है, यहाँ पे टैक्सी भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी पता नहीं मैं दुबवे तक कैसे पहुँचूँगा। लेकिन आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर पहुँच नहीं पाया हूँ। दुबवे इस एरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज है। ऐसा माना जाता है ये रोमानी लोग यानी जिप्सी लोग राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और सिंध, जो भी पाकिस्तान में, वहाँ से चलकर यूरोप की तरफ आ गए थे। और बाकी अभी एट प्रेजेंट आपको जिप्सी लोग सबसे ज़्यादा रोमानिया में मिलेंगे, रोमानिया के अलावा फिर शायद हंगरी में,
और बाकी अगर देखा जाए ना, जिप्सी लोग हर जगह फैले हुए हैं, फिर चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, फिर चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, फिर चाहे आपका यूरोप हो, रशिया। बस अभी तो यही उम्मीद है कि जल्दी से लिफ्ट विफ्ट मिल जाए, क्योंकि एक टाइम के बाद भाई यार बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप में से लॉर्ड ऑफ रिंग्स किस किस ने देखी है? उसका जो ये म्यूजिक है ना, ब्रिज ऑफ काश्तुम, शायद मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो म्यूजिक है ना, आपकी आत्मा को वो करता है, हिट करता है जाके। Що є? У тебе берете його, будьте добрі. Та як вони беру, а що там? Yeah? Thank you, sir. Дякую. Ім'я? Коля, Ніколай. Ніколай. Діпанчу. Діпанчу? Я, Індія. Індія, індійця. Да, да. А куди їдеш? Дубове? Дубове. А потім? О, фінальні, мені ліфт мил гій є Дубове ке ліє. और जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी है, इन सर का नाम है निकोलाय। ते आतकुदा दुबोवा दुबोवा хорошо украинский красиво файно в Україні красиво я Україна да कुछ अलग फील है यार, मैं उस फील को बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अलग टाइप के मजे आ रहे हैं। А в Індії снігу нет, снега нету, да? А, ні, в Індії снігу нету. А, здесь снег. Є, да. Є питання, що в Індії ми джипсі лог не є, кя? Finally, we are in Дубове. Дубове. Що удачі? Спасибо. Дякую. Аж є Saturday. Ор Saturday ор Sunday ко Україн ке андер quarantine week хоте. Ор ісі каран се яхан ке лагбаг ресторан ор кафес банд хе. Лекин ек жо ресторан та мужі хула мила. Ор ваха пар мене жо employees те, унсе бат ки ки бай, мужі жо сиганія лог, яни жо джипси лог хе, ко ваха пар мил жаенге. То уноне батае ки аге мужі жана падега. River ке сайд ме ек гали хе, ваха пар ол лог рехте хе. तो अब मैं उधर जा रहा हूँ। मैं तो आज इंडिया। नमस्ते। नमस्ते। क्या रमोशित ने? जोरा। डेसिडर। डेसिडर। दीपांशु। दीपांशु। या। तुम्हारे इंडिया। India. English ki panimaes? Не понимаю. Не понимаю. Roma. 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 ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है अपने Roma people. Roma, India, Europa. Да, 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 да. 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 Очень хорошо. Ты английский, украинский, русский, чо-чо. Чо-чо понимаешь? Да. Диклеш найде сюда. अभी मैं गोपाल भाई से बातें कर रहा हूँ। जो रोमा लोग हैं, इनके जो एंसिस्टर्स हैं, वो अपने इंडिया से हैं, और इंडिया से ये पैदल चल के यूरोप की तरफ आ गए थे लगभग 8th-9th century के अंदर। और मज़े की बात देखो, इनकी जो शक्ल है ना, हमसे ज़्यादा अलग नहीं है। तो स्पेशली जो रोमा लोग थे वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और जो सिंध प्रोविंस है, अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से चलकर पूरे यूरोप में फैल गए थे। रोमा
Дакую, Рома. Дякую. Спасибо. А, да, да, Рома, Рома. И Рома язык спасибо. Спасибо. Рому по кесен. And Гопал, yeah? Гопал. Индийский не. Да, имя индийский Гопал. Гопал, а? Мира. Мира. तो अभी गोपाल भाई ने बताया कि बहुत सारे लोगों के इंडियन नेम्स हैं, जैसे राजा, समीर और कौन सा, शाहिद, मतलब कि हिंदू और जो मुस्लिम नेम है उन वो मिक्सअप है काइंड ऑफ। नमस्ते। नमस्ते। स्पेसिफ। और यार मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं इन लोगों से मिल पा रहा हूँ और सच में एक अलग खुशी मिल रही है। तो सभी लोग क्या है कि मुझे देख रहे हैं। इमिया ज़ारा ते इमिया गोपाल गोपाल ओ एट मोय सिन गोपाल गोपाल इमिया मिशा 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 दीपांशु totally in this key. मैं कह रहा हूँ कोर्सेस नहीं हैं इंडियन्सी। और यहाँ पे आके है ना एक अलग खुशी मिल रही है कि यार ये लोग कभी भाई इनके जो एंसिस्टर्स हैं कभी अपने इंडिया में रहते थे और फिर इन्होंने ये काइंड ऑफ बन जा रहे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के एक नई दुनिया की सैर करने निकल दिए थे। ये जो अंकल है इनकी शक्ल तो एकदम इंडियन जैसी लग रही है। तब इसके हिंदी इसके अभी मैंने गोपाल भाई से ये भी पूछा कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो। मेन जो इनका रिलीजन है वो तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इनके कुछ ट्रेडिशंस हैं जो बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। Хорошо. Наша традиція. Ми постійно любимо танцювати, співати любимо, петь пісні хороші, робити веселі, циганські пісні создавати, танцювати по-циганськи любимо, веселитися любимо, кушати, м'ясо багато кушати любимо, так як наші традиції циганські, гуляти, веселитися, це наш закон. Наші традиції. Я думаю, так само братів є індусів. Да. Індусів так же само є. Танцюють, коли хочуть кушати, він йде танцювати. То Гопал бай не бола, у смісі мені сирф ек лайн зрозуміє, що Indians और रोमा जो लोग हैं वो पुराने भाई हैं और हमको इस चीज़ से कोई अलग नहीं कर सकता। ये चीज़ मुझे समझ आई है, बाकी सब मेरे दिमाग के ऊपर से गया है। अगर आप में से किसी को यूक्रेनियन या रशियन आती है तो प्लीज़ आप जो गोपाल भाई ने बोला है उसको ट्रांसलेट करके नीचे इंग्लिश में लिख देना यार, आप लोगों का बहुत बहुत भला होगा। भाई बता रहे हैं कि रोमा लोगों को भी डांस का बहुत शौक है। तो गोपाल भाई का गिटार आ गया है और अब गोपाल भाई हमें एक जिप्सी सॉन्ग सुनाएंगे। Наш Господь и Спаситель, ведь и страдал за весь мир, и цыгана призвал ты, и за нас кровь пролил. И грешный табор пришел ты, и цыган нас призвал ты, и из-за нас кровь свою на кресте пролил. Thank you. Год. Пісня була, пісня. Кажи, Ісус. Прабо. Бхагаван. І Ганеша. Так, Ганеша. You know Ганеша? Шива. Шива, Ганеша.
शायद हो सकता है कि मैं जो मुझे बातें पूछनी चाहिए वो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ही मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। और एक इंटरनेट के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, लेकिन हम एक दूसरे को जो अपने मैसेज हो वो कन्वे कर पा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने और रोमा भाइयों के अंदर सिमिलर हैं, और इनके अंदर जो खुशी है ना वो बार बार कह रहे हैं कि रोमा और जो इंडियंस हैं वो बहुत पुराने भाई हैं और बोल रहे हैं कि हम एक ही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। सुन इमिया दिनेश 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 गोपाल इज यू नो कृष्णा 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 इंदिस की गोपाल गोपाल कृष्णा तो अभी मैं और गोपाल भाई किसी दुकान में जाएंगे और वहां से फिर केक या फिर कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। अच्छा होता अगर हमें से किसी को एक कॉमन लैंग्वेज आती होती, लेकिन क्या करें। तो भाई अभी हम एक सुपरमार्केट में आ गए हैं, ये पूरा एक अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या हुआ था, जब हम सुपरमार्केट की तरफ जा रहे थे मेरा पैर फिसल गया था, उसके बाद से ये बच्ची है ना यार मेरा हाथ पकड़ के चल रही है ताकि मैं गिर ना जाऊं। हाँ इस बच्ची के हाथ लगाने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर गिरना हो तो मैं गिर ही जाऊँगा, लेकिन ये जो जेस्चर है ना इसने मेरे दिल को छू लिया यार। जहाँ पर ये भाई लोग रहते हैं ना यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। निया, 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 निया। पहले तो मैं सोच रहा था कि इन भाइयों के लिए केक वेक लेके आऊँ, लेकिन जो ये गोपाल भाई थे इन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल बोलता ना ना ना, ना, ना। आप ऐसा कर सकते हो हमारे लिए कैंडी और कोल्ड ड्रिंक खरीद लो, लेकिन उससे ऊपर कुछ भी नहीं। बहुत देर बाद जिद करने के बाद तब ये तैयार हुए थे। यार इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, जो हमारे पुराने भाई बहन थे उनके लिए। मैं आप सभी लोगों के लिए केक खरीदना चाहता हूँ। तब गोपाल भाई ने लिटरली मना कर दिया था, लेकिन गोपाल भाई की आंखों में जो खुशी थी ना वो देखकर मैं दिल बाग बाग हो गया मेरा। फूड कुकिंग ये काइंड ऑफ एक ये मान लीजिए आप घर का हीटर भी है और इसके ऊपर कुकिंग भी होती है, और इधर से जो सारा धुआं है वो एक टिपिकल रोमा हाउस इन यूक्रेन। मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, और तब से मैं गोपाल भाई और उनके कम्युनिटी के लोगों से बस बातें ही करे जा रहा था। हाँ सारी बातें ना वो मेरी समझ पा रहे थे ना मैं उनकी समझ पा रहा था। मैं चाहता था कि और भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन वो सारी बातें नहीं हो पाई। लेकिन एक बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मैं यहां तक पहुंच पाया और इन लोगों से मिल पाया, और इन लोगों के जो एक्सप्रेशन थे ना वो प्राइसलेस हैं भाई, और बहुत अच्छा लग रहा था यहां पर आके। और बस अभी मैं वापस निकल रहा हूँ रुस्का मोकरा के लिए। भाई और तो बोल रहे हैं रुक जाओ यहाँ पर यार, लेकिन नहीं मैंने ऑलरेडी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, मैं और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहूँगा। भाई शायद ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ हम एक दूसरे की भाषा ना समझ पाए, लेकिन जो हमारे दिल की आवाज़ थी वो हमने शायद एक दूसरे तक पहुंचा दी। थैंक यू थैंक यू Это хорошо.
Imia. Isabel. Isabel. तो भाई और बहनों हमारे गोपाल भाई इनके बारे में मैंने सबसे पहले सुना था जब मैं मेरी पहली रशियन ट्रिप में था। उस टाइम पर शायद मैं कहाँ पहुँचा हूँ यार, दागेस्तान में था शायद मैं। तो दागेस्तान में मैं पहुँचा और जिस होटल में मैं रुका हुआ था, हॉस्टल में सॉरी, वहीं पर एक फैमिली थी रोमानिया से। तो उन्होंने बोला कि इंदिस की जिप्सी जिप्सी। मैं उनकी बातें ढंग से समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला शिवा गणेशा हेलो बाय बाय। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो एक अलग टाइप की स्टोरी है। बार बार बर्फ मुंह में जा रही है भाई। लगभग 2-3 घंटे में जो गोपाल भाई की फैमिली थी उनके साथ रुका। बाद में फिर जाते जाते एंड में मैंने उन सभी के लिए चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। भाई पहले तो मैं केक खरीदने वाला था, लेकिन गोपाल भाई ने काफ़ी मना कर दिया। बोलते नहीं नहीं नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक और कैंडीज ले लीजिए। फिर मैं कोई बात नहीं यार, ज़्यादा वो मैं भी ज़्यादा पुश नहीं करूँगा। क्योंकि जितना मैं समझा और जितना गोपाल भाई मुझे समझा पाए, जिप्सी लोगों को है ना यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और आपने घरों की हालत देखी होगी ना, इनको ढंग से काम मिलता है। और कई जगह पर तो जो रोमा लोग हैं इनके पास आईडी भी नहीं है। आपको पता है ना क्या होता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते जनता उसको चूस लेती है और रिटर्न में उसको बहुत कम। और ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की कहानी है ये, आप पूरी यूरोप में कहीं पे भी चले जाइए जिप्सी लोगों के साथ यही होता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो जिप्सी लोग हैं वो बस लूट के खाना जानते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लगभग 4:30 हो चुके हैं और 15-20 मिनट बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी वो मैं ढंग से नहीं कर पाया, लेकिन मेरे लिए जो इमोशन को कैप्चर कर रहा था ना वो बहुत बड़ी बात थी। फिर भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते हुए एक लाइक और कमेंट छोड़ देना। तो बस अब जा रहा हूँ वापस से रुस्का मुर्का अपने होटल में और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। मोस्ट प्रोबेबली हिच हाइकिंग करके जाऊँगा क्योंकि बसेस और टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर कुछ भी मिल जाए मैं किसी भी चीज़ से परहेज़ नहीं करूँगा।